पौड़ी के जंगलों में लगी आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। श्रीनगर के गंगा नाली के जंगल में लगी आग बेकाबू हो गई है। आग अब आवासीय बस्तियों की तरफ रुख करने लगी है, जिससे स्थानीय लोग काफी डरे हुए हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज की तरफ भी आग बढ़ रही है। दूसरी तरफ नयालगढ़ में भी वनाग्नि तांडव कर रही है। श्रीनगर में जंगल की आग से 3 हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई। रेंजर प्रमोद रावत ने बताया कि गंगा नाली में 6 वनकर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं, जबकि नयालगढ़ में 8 कर्मियों को आग बुझाने में लगाया गया है। आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर हल्द्वानी से आई, जहां गोलापार में ट्रंचिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई। कचरे में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कई एकड़ में फैले ट्रंचिंग ग्राउंड में पड़े लाखों टन कचरे को आग ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया, जिसके चलते जहरीले धुएं का गुबार चारों ओर फैल रहा है। यहां तक कि कचरे का धुआं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। आग की घटना के कई घंटे बाद रात करीब 1 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल है कि अभी भी ट्रंचिंग ग्राउंड धू धू कर जल रहा है। आग ने पूरे ट्रंचिंग ग्राउंड को अपने आगोश में ले लिया है। कचरे का जहरीला धुआं लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हाईवे के किनारे बना ट्रंचिंग ग्राउंड पर्यटकों के लिए भी मुसीबत बन रहा है। पर्यटकों को इस धुएं से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि आग के चलते उनका क्षेत्र पूरी तरह से दूषित हो गया है। जहरीला धुआं लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि आग से पास के जंगल को भी खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमार। टीचिंग ग्राउंड अरे मार 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड मार मार उठा, थोड़ा उठा, ऊपर उठा, ऊपर उठा, वेरी गुड।